हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। तो आज है थर्सडे का दिन, आज मेरा छुट्टी है। तो मैडम का तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, काफ़ी दिन से वो बीमार पड़ी हुई है। मुझे टाइम मिल नहीं रहा था क्योंकि मैं शॉप भी जाना पड़ता है मुझे, और घर में कोई है भी नहीं। तो हम लोग मैडम का तबीयत सही से ठीक हो नहीं पा रहा था। तो आज सुधा मैं उनको डॉक्टर भी दिखा दूँ, फिर साथ में बैठकर चाय भी पीने लगे। चाय पीते पीते फिर मुझे याद आया कि आज सुदामा जी आने वाले। फिर मैडम को बोला मैंने, आप फटाफट नाश्ता बना लो, और आज लंच तो नहीं बनाऊँगा। बट यहाँ पर क्या है कि अभी मैडम नाश्ता बना रही, तब तक मैं नहाने के लिए चला गया, नहा के पूजा वूजा करने के लिए रेडी हो गया। तो मैं जैसे नहा के निकला तो छुटकी मुझसे खेलने के लिए कह रही थी, पर मैं तो टाइम है नहीं अभी मेरे पास। फिर छुटकी को थोड़ा मना उना के मैं पूजा करने चला गया, और पूजा वूजा करते करते फिर टाइम पूजा ख़त्म हो गया। देखिए मेरा पूजा ख़त्म भी हो गया, और फिर मैडम कहीं नाश्ता करो, नाश्ता बना के रेडी हो गया। फिर हम लोग तीनों बैठ के नाश्ता करने लग गए। नाश्ता करने के बाद फिर मैं निकला खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था 12:30, 1 बज गया था। तो फिर मैंने फटाफट चावल बैठा दिया और इधर देखने लगा कि क्या हो रहा है घर पे। और फिर इधर चिकन लेके आया मैं, चावल मोटा मोटी बन ही गया है। और फिर मैंने जाके देखा, छुटकी चिल्ला रही थी, तो मैंने जाके देखा क्या हुआ। तो इधर छुटकी का मम्मी छुटकी का बाल बना रही थी, वो चिल्ला रही है कि पापा 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 चिल्ला रही है मेरे से। तो मैंने कहा चलो तुम लोग खेलो, मैं भी फटाफट खाना बना लो। फिर मैं किचन पर निकल गया, और किचन पर निकलते ही देखा कि चावल मोटा मोटी हो गया है। तो मैंने चावल को उतार के फिर चिकन के लिए कढ़ाई पर साइड उठा दिया, और इधर चिकन वन बनाने के लिए सब रेडी कर लिया। और आप देख ही सकते हो कि मेरा चिकन बनकर रेडी हो चुका है। और फिर मैं तब तक चिकन बनते बनते फिर मैं देखे मेरा दामाद जी भी आ ही गए। अब मेरे दामाद जी आए तो मेरा बहन मेरे घर अपने घर से, बहन तो आ नहीं पाई, तो बहन मेरे घर अपने घर से कुछ सब्जी वब्जी भेज दिया है हमारे वहाँ का ऑर्गेनिक सब्जी, और ये मेरा दामाद जी है। फिर हम लोग सब बैठ के चिकन मोटा मोटी अब ऑल रेडी हो चुका था। तो हम लोग हमारे दामाद बैठ के हम लोग दोनों बातें करने लगी, काफ़ी देर बातें करते 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 फिर हम लोग को खाना पीना हो, खाना पीना करने के बाद फिर दामाद जी चले गए। और फिर इधर देखने लगा कि मैं अब क्या होगा। फिर मैडम छुटकी को सुनाने लगे, फिर छुटकी सो गई। और छुटकी सोते ही लाइन भी नहीं था हम लोग आज मेरे घर, हम लोग का यहाँ पर लाइन भी नहीं था। तो बहुत काफ़ी गर्मा था, गर्मी थी, तो छुटकी को नीचे सुला दिया खिड़की के सामने। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लाइन नहीं था बट कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, बट लाइन नहीं था तो मौसम बढ़िया था। फिर मुझे याद आया कि अभी कूपन भी ले जाना है, तो मैंने हमको बोला मैंने कूपन ले जाता हूँ। फिर मैं निकल गया कूपन लेने, तो रास्ते में जगह गया था, मैंने देखा 2-3 सब्सक्राइब मुझे मिला, उनसे बातें करने लग गया। उनसे बातें करते करते फिर मैं पहुँचा कूपन लेने के लिए। जैसे मैं कूपन लेके पहुँचा तो देख रहा हूँ कि हमारे ग्राउंड में फुटबॉल मैच हो रहा है। तो मैं फुटबॉल देखने लग गया, फुटबॉल देखते देखते सामने ही डॉक्टर का चैम्बर है, तो वहाँ से मैं कूपन भी ले गया। देखिए कूपन मेरा 24 नंबर, काफ़ी देर लग जाएगा 24 नंबर। फिर मैं घर पे आ गया, फिर मैडम को और छुट्टी को लेकर मैं निकल गया। मैं मेरा थोड़ा घूम भी लेता हूँ, फिर डॉक्टर भी दिखा देता हूँ। मैडम और हम लोग तीनों निकल गए, छुट्टी के साथ हम लोग तीनों निकल गए। और जैसे घूम के फिर आए शाम को, तो देखा डॉक्टर के वहाँ पर अभी काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। हम लोग का नंबर 24 है, अभी 11 नंबर ही चल रहा है। तो हम लोग घर आ गए, घर आते ही मैंने चाय बैठा दिया और घर आते मैंने चाय बैठा दिया और चाय बनते बनते फिर हम लोग दोनों बैठ के चाय पिए। बराबर चाय पी के निकल चाय पी लिए, फिर उसके बाद टाइम भी हो गया। और तो मैडम मेरे को मैंने कहा चलो मैडम हम लोग का साथ टाइम नंबर आ चुका है। तो जैसे हम लोग निकलने लगे तो छुटकी सो गई थी। अब मैं क्या करूँ, छुटकी को तो लेके जाना पड़ेगा क्योंकि घर में कोई है नहीं। और तो छुटकी को साथ में ऐसे ही सुलाते हुए लेके चला गया और सो रही है। मैंने कहा मैडम को मैं लेता हूँ, मैडम ऐसी तबीयत ख़राब है। तो मैडम और जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखा भीड़ पड़ा, तो हम लोग का नंबर भी निकल चुका था। तो फिर हम लोग गए घर, वहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोग का नंबर आया। फिर हम लोग को डॉक्टर को दिखाया मैडम को, और डॉक्टर दिखाने के बाद फिर हम लोग आ गए घर पर। घर पर आते ही टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो फिर आज के ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर निकलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। और तब तक के लिए जय हिंद।